जय सेवा जय गोंडाना सगाजनों, सभी गोंडानावासियों का गोंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजनों, आज के इस वीडियो में हम गुंडी भाषा का गुंडी भाषा के इतिहास का चौथा पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें आप लोगों को जैसे कि गुंडी व्याकरण क्या है, शब्द क्या है, वाक्य क्या है, स्वर क्या है, वर्ण क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे क्या होती है, सभी प्रकार की चीज़ों को आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसमें जैसे कि भाषा के कितने रूप होते हैं, जैसे कि लिखित भाषा, मौखिक भाषा, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को इत्तेला किया जाएगा। तो सगाजनों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना। अगर सगाजनों आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएँ। तो जैसे कि इससे पहले हमने गुंडी भाषा के इतिहास के बारे में 3 वीडियो को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो 3 वीडियो को देखा नहीं होगा तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये गुंडी भाषा जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे क्या हुई है ना, ये प्राचीन समय से इसमें कैसा कैसा परिवर्तन हुआ है, सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, तो चलिए फिर सगाजन हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं, जैसे कि गुंडी कड़कियान। गुंडी कड़कियान का मतलब होता है गुंडी व्याकरण होता है, और इंग्लिश में बोलेंगे हम उसे गुंडी ग्रामर। सबसे पहले मैं गुंडी भाषा में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में हिंदी भाषा में उसका अला मतलब बताऊंगा। ओके, देखिए अभी इंडिया नाडूता नाडू लंबेज गुंडी आंधु गुंडी लंबेज तुन छन्नो रूपताल वर्षों के उंडे लेखना के बत्तीय नियमता पालन केवल सुजान गुंडी कड़कियान आंधु गुंडी लंबेज तुन छन्नो गायंगताल कैमुक कियाले गुंडी कड़कियान उंदे चकोट मुड़माड़ निभे किया था गुंडी कड़कियान ताल नातोवाल एग्रो एग्रो विषय आमो ठिक्का पद्मास कितोम छवांगनुंग चुडुरपंथाल छन्नो गुंडी लंबेज ता कैमुकता करियाना पैजे जसो आयवाल नाटायते अरकुन गुंडी वड़काले उंडे लयकाते बोरे कट्टूंग गिलते कट्टूंग ता गरसू हिल्ले किसी अरताल इदेन लासी हिका समधीर सगाजन कुन साटी इलते लासी गुंडी कड़कियान ता संग्रह इलते इहमार किसी तुम खरो जिंदगी ता उदाहरण सित्ते के हिका गुंडी कड़कियान तुम उंडे साधोपना ते उमेसियता ता कोशित कित्तुल। तो इसका अभी हिंदी में मतलब देख लीजिएगा, इंडिया देश की राष्ट्रभाषा गुंडी है। ओके ना, इंडिया देश की राष्ट्रभाषा गुंडी है। यहाँ पे हम भारत का जिक्र नहीं करेंगे, ओके ना, जो कि हमारे एक गोंडवाना का एक हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप। ओके ना, तो हम इसको इंडिया बोलेंगे, भारत नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे। ओके, यहाँ पे इंडिया शब्द बोलेंगे। ओके, गुंडी भाषा को शुद्ध रूप से बोलते और लिखते समय कुछ नियमों का पालन करने वाला शास्त्र गुंडी कड़कियान यानी गुंडी व्याकरण है। गुंडी भाषा को शुद्ध तरीके से प्रयोग करने के लिए गुंडी व्याकरण एक अहम भूमिका निभाती है। गुंडी व्याकरण से संबंधित विभिन्न विषय को हमने यहाँ पर शामिल किया है। बच्चों को बाल उम्र से ही शुद्ध गुंडी का प्रयोग करना सिखाना चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में उन्हें गुंडी बोलने और लिखने में कोई कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसलिए यह सभी सगाजनों के लिए गुंडी व्याकरण का संग्रह तैयार किया है। वास्तविक जीवन का उदाहरण देते हुए यह गुंडी व्याकरण को और सरलता से समझाने का मैंने प्रयास किया है। देखिए अभी भाषा किसे कहते हैं, जैसे कि गुंडी में देख लीजिएगा लंबेज बोन इंतेर यानी भाषा किसे कहते हैं, लंबेज को हम पोलो भी बोलते हैं, पल्लो भी बोलते हैं। ओके, तो अभी देखिएगा, सबसे पहले हम इसके वाली व्याख्या पढ़ लेते हैं। तानवा गोष्टिंग इलते पोलोंकुन वर्कसिकुन इलते लैक्सिकुन इंजो के प्रगट किया ना तान लंबेज इंता साधो लंबेज ते इंजिहन ते बोरे वड़ुकतुन इंताना लयकाना केंजाना उंडे उमजाना तुन लंबे जिनते यानी इसका हिंदी में देख लीजिएगा मतलब क्या होता है, अपनी बातों को बोलकर या लिखकर कहने को प्रकट करना उसे भाषा कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो किसी भी बात को कहना, लिखना, सुनना और समझना को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अभी देखिएगा उदाहरण के तौर पर इसे, जैसे मान लीजिए आपको एक ग्लास दूध पीना है, इस भाव विचार या इच्छा को भाषा का प्रयोग करके हम किस प्रकार से इसको बोल सकते हैं, तो अभी देखिएगा टोडियाल लेंगिंदाल और एक जो है दूसरा हमारा पातेल पोरो लेक्सिकोन। टोडियाल लेंगिंदाल का पढ़ लेते हम, जैसे कि मौखिक ध्वनि द्वारा। ओके, कृपा किसी को नाखून उंदी ग्लास पाल सिंह, तो इसका मतलब होता है हिंदी भाषा में मौखिक ध्वनि द्वारा, कृपया मुझे एक गिलास दूध दीजिए। तो ये क्या, जैसे कि मेरे सामने एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मुझे एक गिलास भर दूध दीजिए, है ना, तो इस प्रकार से बोल रहा हूँ ना मैं, तो ये क्या होगा मेरा वाला टुड्याल लिंग। ओके ना, टुड्याल लिंग यानी मौखिक ध्वनि। ओके ना, मौखिक ध्वनि के द्वारा बोल रहा हूँ मैं सामने वाले व्यक्ति को कि कृपया करके मुझे एक गिलास दूध दीजिए। ओके, अभी दूसरा इसमें देखिएगा प्रकार,
जैसे कि पातर पोरो लेक्सिकोन, कृपा किसिकोन नाखून उंदी ग्लास पालसी, तो कागज पर लिख कर कृपया मुझे एक गिलास दूध दीजिए। मेरे सामने एक सेकंड पर्सन है, मैं उसको लिख कर दे रहा हूँ कि भाई मुझे आप एक गिलास दूध दीजिए, है ना, मुझे एक गिलास दूध दीजिए। तो कैसे एक मौखिक ध्वनि द्वारा भी होता है और एक कैसा है लिखित ध्वनि द्वारा भी होता है, सॉरी लिखित द्वारा भी होता है, ओके ना। तो अभी देखिएगा, लंबेजता बच्चों रूगेत आयता, यानी इसका मतलब होता है भाषा के कितने रूप होते हैं। तो इसका मतलब होता है अंसुर का मतलब होता है उत्तर होता है, पुष्यन का मतलब होता है प्रश्न, लंबेजता रण रुगेत आयता यानी भाषा के दो रूप होते हैं। तो अभी देखिएगा भाषा के दो रूप कौन से, हमारे टुड्याल लंबेज, टुड्याल लंबेज का मतलब होता है मौखिक भाषा, दूसरा है हमारा लिखिता लंबेज, लिखिता लंबेज का मतलब होता है लिखित भाषा। तो अभी देखिए जैसे कि टुड्याल लंबेज, इसका मतलब हिंदी में इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा, डेफिनेशन को बोलते हैं हम वेमाड़ी, ओके, टुड्याल लंबेज, बहुत लंबेज तू नामो टोड्डी ताल वड़की तोरम उंडे तनवा कविंग ताल किंची कुन उमेश तांग तान टुड्याल लंबेज इन तेर, यानी हिंदी में इसका मतलब होता है जिस भाषा को हम मुँह से बोलते हैं और अपने कानों से सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, ओके, जिस भाषा को हम मुँह से बोलते हैं और अपने कानों से सुनकर समझते हैं उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा, यानी टुड्याल लंबेज कहते हैं, ओके। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देख लीजिएगा, कुछ प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जसु इलते बहान इम्मा तनोर बाबाल तुन वड़कसेर मंतोर, बाबाल इलते दाऊ इका वूद, ओके ना। तो इसका हिंदी में मतलब होता है जैसे आप अपने पापा को बोल रहे हो, पापा यहाँ बैठिए, पापा यहाँ बैठिए, ये क्या, ये कौन सा प्रकार है हमारा, टुड्याल लंबेज, है ना, टुड्याल लंबेज, ओके ना, टुड्याल लंबेज यानी मौखिक भाषा, ओके ना, मैं अपने पिताजी को बोल रहा हूँ कि पापा आप यहाँ बैठिए। दूसरा प्रश्न देखिएगा, जैसो बाबा निकुन वड़कसेर मंतोर मर्री हिग्गावूद, मर्री हिग्गावूद, ओके ना, जैसे पापा आपको बोल रहे हैं बेटा यहाँ बैठो, बेटा यहाँ बैठो। तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, वड़की पिड़की हिलते वनकी पिनकी किया ना, इसका मतलब होता है बातचीत करना, किसी भी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से मैं बातचीत करता हूँ, तो ये किस में आता है, टुड्याल लंबेज में आता है ना, यानी मौखिक भाषा में आता है। फिर वेसुडी हिलते पिट्टू केन जाना, इसका मतलब होता है कहानी सुनना, ओके ना, कहानी सुनना, जैसे कि मैं कहानी सुनता हूँ, है ना, तो ये क्या होता है, मौखिक भाषा। दूसरा प्रकार देख लीजिएगा, लिखिता लंबेज, लिखिता लंबेज का मतलब होता है लिखित भाषा। तो इसका डेफिनेशन वेमाड़ी पढ़ लेते हैं हम सबसे मुन्ने, ये वेमाड़ी पढ़ लेते हैं, इसका बहुत लंबेज तो नामोट लेक्सिकुन प्रगट किया तुरम तान लिखिता लंबेज इन तेल, साधो लंबेज थे बदे नामोट लेक्सिकुन मुन्ने वाल तुन तनवा वड़ू वेती तोरम तान लिखिता लंबेज इन तेल। इसका हिंदी में मतलब होता है जिस भाषा को हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, सरल भाषा में जिसे हम लिख कर सामने वालों को अपनी बातें बताते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। कोई एक व्यक्ति है मेरे पास में, मैं क्या करता हूँ उसको लिख कर बताता हूँ, है ना, लिख कर बताता हूँ, कागज़ पर लिख कर बताता हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, पहला प्रश्न देखिएगा, आके लयकाना, आके लयकाना का मतलब क्या होता है, पत्र लिखना, है ना, आके लयकाना का मतलब होता है पत्र लिखना, आकी कोट्टाना इसका मतलब होता है पत्र लिखना। फिर दूसरा प्रश्न देखिएगा, खबर इलते खबर पढ़े मायना है तो वाचे किया ना, इसका मतलब होता है समाचार पढ़ना, है ना, तो ये क्या होता है हमारा लिखित भाषा। फिर उसके बाद में किताब वाचे किया ना, इसका मतलब होता है पुस्तक पढ़ना या तो किताब पढ़ना। चौथा प्रश्न देखिएगा, लेक्सिकुन तनवा इलते अपो वड़ुक रेखनोरकुन वेताना, इसका मतलब होता है लिख कर अपनी बात दूसरों को बताना, है ना, लिख कर अपनी बात दूसरों को बताना। तो इस प्रकार से है सगाजनों। तो आज के टॉपिक में हम जैसे कि गुंडी ग्रामर क्या है, भाषा के रूप कितने होते हैं, टुड्याल लंबेज है, ओके ना, टुड्याल लंबेज है, लिखिता लंबेज है, ये दोनों प्रकार के रूपों को हम पढ़ चुके हैं, ओके ना। तो जैसे कि भाषा की, भाषा किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन भी, इसका व्याख्या भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके, और ग्रामर क्या है इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो सगाजनों, नेक्स्ट आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे कि नेक्स्ट वीडियो हम जैसे कि पढ़ेंगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद क्या है, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, तो इन सभी प्रकारों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं पर रुक जाते हैं, वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएंगे, ओके ना, इसीलिए आप लोग देखने पाओगे।
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सगाजनों आप लोगों से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो फीडबैक देने की जरूर कोशिश करेगा और ज़्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करने की कोशिश करेगा। ये सभी सगाओं की मातृभाषा है, मेरी नहीं है, सभी सगाओं की मातृभाषा है। सभी लोगों ने इसे पढ़ना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करेगा और प्रचार प्रसार करने की कोशिश करेगा। तो सगाजनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा, जय पेरसा पेन, सेवा जोहार, जय गुंडवाना।